हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को सोनीपत के खानपुर स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू किया। इस मौके पर एक विश्वविद्यालय की पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर उनके साथ कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 20 वक्ता सीताराम व्यास और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा मौजूद रहे। सुनिए क्या बोले हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। बहुत ही अच्छे विषय बताए, जो सब्जेक्ट भी लिया गया, विषय जो लिया गया वो भी बहुत ही अच्छी विषय है। वो विषय जो है व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना, शिक्षक की भूमिका, बहुत ही महत्व की बात। शिक्षक की भूमिका के साथ साथ विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए, विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए। वो विद्यार्थियों की भूमिका निर्माण करने वाले ही हमारे उपाध्याय है। उपाध्याय यानी हमारे लिए गुरु है, गुरु का स्थान है। भारत में इंग्लिश में कहा जाता है मास्टर, मास्टर बोले तो मास, MASS मास, मास मीन्स मनी, धर मीन्स लेके जाने वाला, टीचर बोले तो केवल तनखा लेके जाने वाला, ये भावना है। हमारे दिल में से ये भावना निकालना चाहिए, मास्टर नहीं हमारे गुरु जी है, ये भावना हमारे दिल में आना चाहिए। मास्टर के जो भावना निकलना चाहिए, ये मास्टर की भावना कैसी आई, अंग्रेजों से आई। भारत की कल्पना नहीं, भारत की परिकल्पना है गुरु, जीवन को बदलने वाला गुरु है, जीवन को दिशा देने वाला गुरु है, जीवन को सही रास्ता बताने वाला गुरु है, तो इसीलिए शिक्षक वैसी होनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा हिंदी को भी प्राथमिकता दी गई है। खासतौर से महिलाओं को इस तरफ भी ध्यान देते हुए शिक्षा में आगे जरूर बढ़ना चाहिए और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार का इंतजार न करते हुए रोजगार देने वाले नीति पर कार्य करते हुए आगे जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में कई तरह के हुनर जन्म से ही होते हैं, जैसे खाना बनाने में महिलाएं बहुत ही निपुण होती हैं। सुनिए क्या बोले हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। स्किल्स, और महिलाओं में बहुत स्किल्स रहते हैं। अच्छे पकाने वाले महिला ही है, अच्छा काम करने वाले महिला ही है, ज्यादा बुनकर काम करने वाले महिला ही है, ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर काम करने वाले भी महिला है। तो इसलिए महिला में जितना स्किल्स है दुनिया में किसी में नहीं है। आधार पढ़ना चाहिए, इस बदले में इस स्किल्स को आगे बढ़ाएं। और पढ़ने के बाद मैं पहले से चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति में भी यही मूल है, आप पढ़ने के बाद इतने 7,000 लोग पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? एक एक यूनिवर्सिटी से 80,000, 70,000, 90,000 आने के बाद हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती। आप सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएंगे, नौकरी के लिए ढूंढते रहेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी होनी चाहिए, जो अच्छे पढ़ते अच्छे रैंक में नौकरी मिलेगी, नौकरी के लिए तलाश की जरूरत नहीं है। लेकिन नई शिक्षा नीति में बहुत ही महत्व दिया गया है, आपके मन में आपके विचार में ये होना चाहिए, मैं जो है केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, मैं जो है 10 लोगों को नौकरी देने वाले बनूंगी, ये विचार आपके मन में। निकले हैं आज, बहुत निकल रहे हैं, तो इसलिए इस विषय को आप ध्यान में रखिए। इसको लागू करने का निर्णय किया है, लेकिन हरियाणा सरकार 2025 में इसको अमल करने का निर्णय। इस विषय को सारे हमारे शिक्षक ध्यान में रखना चाहिए। हमारा कैरिकुलम, हमारा शेड्यूल, हमारा प्रोग्राम
सारा जो है ईयरली कैलेंडर बनना चाहिए, 6 मंथ्स का कैलेंडर बनना चाहिए, 3 महीने का कैलेंडर बनना चाहिए, 3 महीने में क्या करना चाहिए, 6 महीने में क्या करना चाहिए, 9 मंथ्स में क्या करना चाहिए, ऐसा एक कार्यशाला बना के आप अच्छा आगे बढ़िए, मुझे पूरा विश्वास है। और इसमें नई शिक्षा नीति में और एक बहुत बड़ी अच्छी बात शर्मा जी ने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आज विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में भी पढ़ने के लिए। बंडारू दत्तात्रेय ने इस दौरान खास तौर से यह भी कहा कि शिक्षकों को भी डिजिटल युग में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आज मोबाइल में सब कुछ मौजूद है और हाथ में संसार है। सुनिए क्या बोले हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। नई शिक्षा नीति द गेम चेंजर इन द एजुकेशन फील्ड, बहुत बड़ी गेम चेंजर होने वाली। 2020 में जो नई शिक्षा नीति लाई, इसका मूल उद्देश्य बताए, 3 मूल उद्देश्य है। एक है शिक्षा जो है रोजगार उन्मुख होना चाहिए, रोजगार उन्मुख होना चाहिए। दूसरा जो है शिक्षा साइंटिफिक होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। और तीसरा चरित्र निर्माण होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, एथिकल वैल्यूज होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज होना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो है मूल भावना दिखाया गया है डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी आज का युग है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री पहली बार 35 साल के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री ऐसे नया शिक्षा नीति लाए जिससे देश की जो है चित्र बदल सकती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, मैं अभी विद्यार्थियों से लड़कियों से मिला था, मैं लड़कियों को पूछा था क्या पढ़ रहे हैं, एंड द नेक्स्ट इज व्हाट डू यू वांट बिकम, क्या बनना चाहती है। एक लड़की ने मुझे बताया कि डॉक्टर बनना चाहती है, एक इंजीनियर बनना चाहती है, एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहती है। ऐसे आपके मन में जो है काफी भावनाएं जागृत हो रहे, तो इस नए शिक्षा नीति में आज जो इस विशेष करके जो अपना नए टेक्नोलॉजी मैं जो बताया था, देखो शिक्षक जो है ग्रहण करना चाहिए, शिक्षक जो है अपडेट होना चाहिए, शिक्षक जो है आदर्श होना चाहिए। आज कंप्यूटर का युग है, छोटा सा सेलफोन में सारा दुनिया को देखने के लिए आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है हमारे शिक्षक बहुत ही टेक्नोलॉजी मोड में होना चाहिए। हमें कॉम्पिटिशन में जाएंगे, नाउ इट इज ए कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। जो जितना अच्छा टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बाद दूसरा जो है नवाचार, इनोवेशन, इनोवेशन बहुत जरूरत है। नए नए विचार, नए नए थिंकिंग होने चाहिए, नए नए परिकल्पना होना चाहिए। और नवाचार में नहीं जाएंगे, वही पुराना मामले में जाते जाएंगे, 1960, 70, 80, 90, बीच में भी वही अगर 60 के मॉडल में जाएंगे तो अपडेट नहीं बनेंगे। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है हम लोग आज के युग में होना चाहिए। आज के युग में सारा मैं जो टेक्नोलॉजी जो बताया वो रिसर्च मॉडल में जाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें,
ज्यादा से ज्यादा लोगों को WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ दोस्तों पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें Instagram, Twitter, Facebook पर फॉलो भी कर सकते हैं, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट sggdnews.com पर लॉगिन करें।